मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अंदर से मुझे कोई बार बार कह रहा हो आज यहाँ मुझे जिंदगी का वो दूसरा रास्ता मिलने वाला हो। मुझे ईमानदारी से बड़ा डर लगता है। उस बुड्ढे को ना बचपन में ही किसी ईमानदार कुत्ते ने काट दिया हो, इसीलिए हमेशा ईमानदारी ही ईमानदारी भोगता है। और वो राधिका, वो तो जब भी अपना मुंह खोलती है ना ऐसा लगता है किसी बाबा का प्रवचन शुरू हो गया हो। पता नहीं कैसी लड़की है, इतना बुरा बर्ताव कर दो ना उसके साथ लेकिन फिर भी गले लगाती है। उसे धोखा देते हुए बुरा तो मुझे भी लग रहा है। अरे राधिका दीदी, आप तो यहाँ है, फिर वहाँ वो कौन है? वो मेरी बहन इमरती है। की बहन? पर आपकी बहन तो विशाखा दीदी है और वो ये रही। वो भी मेरी बहन है। मैं इमरती से मिलकर आती हूँ। दादी माँ, मैं भी आई। साला चली थी पूरी दुनिया को चूना लगाने और मुझे ही चूना लग गया। इमरती, मैं तो काना से जवाब मांग रही थी लेकिन उन्होंने तो जवाब मेरे सामने ही खड़ा कर दिया। तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंतित हो गई थी। मैं तेरे पैसे चोरी करके आ गई, तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा ली, तू अब भी मेरे बारे में अच्छा सोच रही है? तुम मेरे लिए अनमोल हो। इमरती यहाँ कैसे आ सकती? ये सब कान्हा की मर्जी है। कान्हा की कृपा से इमरती मिल तो गई वरना राधिका तो बिल्कुल ही टूट गई थी। तू मेरे जीवन में ये परिवार, ये लोग, ये सब नहीं लेकर आती ना, मैं तो समझ ही नहीं पाती कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी परछाई मेरे अंदर है। अब और कितना रोएगी? मत रोना। फिर आपकी छोटी बहू में ना जादू है। मैं तो ये पैसे जेवर लेकर यहां से कब की फुर हो जाती लेकिन ना चाहते हुए भी ना इस वृंदावन के मंदिर में मैं खींची चली आई। वो क्या है ना, इस राधिका के प्यार की बेड़ियां मेरे पैरों में जो बंधी हुई थी। हमारी छोटी बहू साक्षात देवी है, इसके रहते हुए हमारे घर परिवार का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। भगवान ने मुझे आज मेरी दोनों बेटियों से मिला दिया। राधिका बेटा, तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। बेटे, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ये सपना है। बाबूजी, अब आपका ये सपना कभी नहीं टूटेगा। अगर अभी भी आप इन बैसाखियों के सहारे चलेंगे ना तो मुझे यही लगेगा कि तू मेरा मतलब है आपने मुझे माफ नहीं किया। विवेक के हाथ से बैसाखी छुड़ाकर तुमने मेरा एक सपना पूरा कर दी। अब जिंदगी भर के लिए उसका हाथ थाम कर मेरा दूसरा सपना पूरा नहीं करोगी? बोलो, बनोगी हमारी बड़ी बहू? कान्हा, मैं आपको कोटी कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद कैसा राधिका, ये तो तुम्हारी भक्ति का फल है। इसलिए जब तक तुम्हारा जीवन चक्र चलेगा मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे साथ ही रहूंगा।